दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड में अभी बैठक होने वाली थी मैनेजमेंट की। ये बैठक जो थी दोस्तों, वह बोनस को लेकर थी कि आखिर कोल इंडिया के कर्मचारियों को कितना बोनस दिया जाएगा। दोस्तों, इस बैठक में निकल के आया है कि सबसे पहले तो सरकार ने मना कर दिया, कोल इंडिया ने मना कर दिया कि इस साल कोल इंडिया के कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण जो है अपना बोनस नहीं दिया जाएगा। लास्ट में सरकार ने माना है। दोस्तों, इस बैठक में जो है अपना सारी कंपनियों के, यानी कि सारी WCL, BCCL, NCL, MCL सभी के CMD शामिल थे। इस बैठक में निकल के आया है दोस्तों कि कोल इंडिया के कर्मचारियों को लगभग 68,500 रुपये, जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, 68,500 रुपये इस साल जो है बोनस के रूप में दिए जाएंगे। लगभग जो है 2.75 लाख कर्मचारी है कोल इंडिया लिमिटेड में। इसके अलावा जो SCCL यानी कि सिंगरेनी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड, यह भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें भी लगभग जो है अपना 40 से 50 हज़ार वर्कर है। इन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2020 को जो है अपना इनके खाते में दोस्तों पैसे पहुंच जाएंगे। ये रांची के CMPDI के पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड में जो है ये बैठक में सामने निकल के आई है ये बातें कि अपना जो है 22 तारीख को सारे लोगों के अकाउंट में बोनस की राशि पहुंच जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के चेयरमैन NCL के CMD PK सिन्हा के अध्यक्षता में बैठक जो है लगभग 11:30 बजे से शुरू हुई, जो कि रात करीब लगभग 8:30 बजे तक चली। इसमें सभी 4 सेंट्रल यूनियन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, C2, LTAC, HMS, BMS के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जो है बैठक में विशेष आमंत्रित जो सदस्य थे दोस्तों, वो थे कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, जो कि अपना बैठक में शामिल थे। सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस साल कोल इंडिया के कर्मचारियों को लगभग 68,500 रुपये जो है अपना बोनस के रूप में दिए जाएंगे। ये जो राशि है दोस्तों अपना 22 अक्टूबर को पहुंच जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में देखा, ये जो बैठक में शामिल हुए थे, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बातें सामने निकल के आ रही थी कि इस साल कोविड-19 का इफ़ेक्ट होने के कारण जो है इस साल बोनस नहीं दी जाएगी। कोल कर्मियों को पिछले साल की बात करें तो लगभग 64,700 रुपये जो है बोनस के रूप में मिले थे। इस साल लगभग जो है हमको 3800 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3800 रुपये इस बार बढ़े हैं। कोल इंडिया ने जो है अपना पिछले साल 1730 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, इस साल जो है 1755 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अनुसंगी जो कंपनियाँ हैं। इसके अलावा जो SCCL यानी कि सिंगरौनी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड जो है, इसमें भी कार्यरत सभी व्यक्तियों को जो है लगभग 48,942 कर्मियों को और अपना कोल इंडिया लिमिटेड के 2,50,114 कर्मियों को जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड फैली हुई है, इससे संबंधित सारे लोगों को जो है बोनस के रूप में राशि दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैठक में जो है शामिल होने से पहले जितने भी मजदूर यूनियन हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि लगभग 1,00,000 रुपये चाहिए। 1,00,000 रुपये तो छोड़िए दोस्तों, सरकार ने जो है पहले तो मना कर दिया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कोल इंडिया मैनेजमेंट ने बैठक की शुरुआत में कोविड-19 का हवाला देकर वृद्धि के गुंजाइश से इनकार कर दिया। यह भी बताया कि मुनाफे में 763 करोड़ रुपये की कमी आई है। यूनियन ने जो है 1,00,000 रुपये मांग रखी थी। श्रमिक को और अपना श्रमिक संगठनों का कहना था कि कोरोना काल में भी कर्मियों ने जो है लगातार काम किया, लगातार हमारे जो कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी हैं, चाहे वो BCCL के हो, CCL के हो, NCL के हो, WCL के हो, सारे लोगों ने जो है लगातार काम करते रहा, चाहे वो कोरोना का इफेक्ट हो, चाहे किसी का भी इफेक्ट हो, लगातार जो है हमारे कोल इंडिया के कर्मचारी काम करते रहे, इसलिए लाभ मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि लगभग जो है 8.3%, जी हाँ दोस्तों, 8.33% जो भी आपका बेसिक होता है उसका 8.3% जो है आपको बोनस के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही सारी जानकारी, आप लोगों के खाते में जो है 22 अक्टूबर को राशि पहुंच जाएगी 68,500 रुपये। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।